वेलकम बैक स्टूडेंट्स. सो टुडे लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 6. दिस इज द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडेंटिटीज. ये हमारी एप्लीकेशन है इन आइडेंटिटीज की. अब आइडेंटिटीज तो हमने पढ़ ली, लेकिन पढ़ी क्यों? ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे, हम उनको इजी बना रहे थे, लेकिन ये सिंपल जो अलजेब्रा है, मल्टीप्लीकेशन आपका स्क्वायर करना, ये डिवीजन वगैरह, इनमें भी आपकी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. देखिए, जैसे अब इसका स्क्वायर करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो क्यों ना हम आइडेंटिटी लगा लें, सिंपल, फटाक से हमारा आंसर निकल आएगा. कैसे? क्योंकि हमें पता है जब लास्ट में जीरो होती है तो स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट करना ईजी हो जाता है. तो सबसे फर्स्ट पार्ट है 71, इसको क्यों ना हम 70 प्लस 1 लिख लें, क्योंकि अब हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा 70 का स्क्वायर करना, क्योंकि लास्ट में जीरो है. नाउ ए प्लस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. नाउ 70 स्क्वायर इज 40 900 and 140 plus 1. अब आपको तो पता है सिंपल एडिशन है. नाउ 1 4 9 and it is 5. बिकॉज हम क्या करते हैं, आप ऐसे बच्चों की तरह ऊपर नीचे नहीं लिखोगे, बल्कि लास्ट लास्ट वाले डिजिट पहले ऐड करोगे. 1 1 is 1. नाउ सेकंड, अब सेकंड वाले डिजिट 4 plus 0 4. अब आपकी थर्ड वाले डिजिट 9 plus 1 is 10. 4 plus 1 is 5. नाउ 99 के स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 minus 1 का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी की आइडेंटिटी थोड़ी हमारे पास, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर की भी आइडेंटिटी है. नाउ ए स्क्वायर माइनस 2 into ab minus plus b square. सो 100 का स्क्वायर कितना इजी है करना, बजाय आप कहाँ 99 का स्क्वायर करते, माइनस 200 plus 1. सो नाउ ये आपका क्या हुआ, 10,000 minus 20. आपको सेम वही करना है, पहले आप इसको एडिशन वाले को कर लीजिए, नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लो पहले. 101 minus 100 क्या बोल रही हूँ 10,001 minus 200. अब आप इसको सिंपल, आपकी सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन कीजिए. नाउ 1 minus 0 is 1, 10 minus 0 is 9 एंड 9 minus 2 is 7 एंड इट इज 9. सो दिस इज आवर आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 102. अब 102 को करना थोड़ा सा टफ है, क्यों ना हम इसको 100 plus 2 लिख लें, कितना इजी हो जाएगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर करना हमारे लिए ज़्यादा इजी है. नाउ ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2 into ab plus b square, विच इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर आपका 10,000 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 into 100 is 100 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4. नाउ विच इज इक्वल टू 40401. बहुत इजी है ना. अब देखिए, अब आप 999 का स्क्वायर, कितनी बड़ी बात है कि आप इतना बड़ा स्क्वायर करोगे, लेकिन एक सेकंड में हो जाएगा. अगर हम क्यों ना हम इसको क्या मान लें, 1000 से 2 लेस देन है 999, तो हम इसको 1000 माइनस 2 कंसीडर कर लेंगे. सेम आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस 2 into a into b plus b square. आपको पता है जब हम स्क्वायर करते हैं और लास्ट में जीरो होती है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाती है, डबल. सो 3 है तो आपकी कितनी जीरो होंगी, 6. ओके, नाउ माइनस 2 2 ज़ा 4, इट इज 400 plus 2 का स्क्वायर इज 4. अब आप इसको करिए, पहले इसको 400 को आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये माइनस करना हमारा थोड़ा सा ज़्यादा इजी है. नाउ 10 माइनस 4 इज, ये आपका यहाँ पे क्या आएगा, ये आपकी 0 0, यहाँ पे आप 4 करोगे तो 10 माइनस 4 इज 6, इट इज 9 9. ओके, 1 2 3 इज 9 9 प्लस 4, तो क्या करोगे आप लास्ट वाले डिजिट में ऐड कर दो 4. This is our answer. Understood? कितना इजी था कि हाँ, हम इतनी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी बहुत इजी हो जाती है इन आइडेंटिटीज से. नाउ नेक्स्ट पार्ट्स आर
सो स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट इज 5.2 होल स्क्वायर। ये कोई बात नहीं, पॉइंट्स में है तो हम पॉइंट्स वाले का स्क्वायर करना भी हमें आता है। तो कैसे करेंगे, 5.2 को क्या लिखेंगे, 5 + 0.2 का होल स्क्वायर, बिकॉज 5 का स्क्वायर थोड़ा सा इजी है हमारे लिए। कहाँ हम 52 का स्क्वायर करते फिर डेसिमल लगाते, सिंपल आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनाओ, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ 5 का स्क्वायर 25 एंड 5 × 2 = 10, 10 होगा तो आपका डेसिमल रिमूव हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2। प्लस 0.2 का होल स्क्वायर क्या होगा आपका, 0.04, क्योंकि आपको पता है एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो आपकी आंसर में 2 डिजिट हो जाएंगे स्क्वायर होने के बाद। नाउ विच इज इक्वल टू 25 + 2 = 27, नाउ 27 + 0.4 = 27.04, इजी था। अब ये देखिए, ये आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आप वो वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो जो और भी सिंपल तरीके से आंसर देंगे। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, आप 300 - 3, इसको क्या लिख सकते हो 300 + 3। देखते ही मन खुश हो गया ना, क्योंकि सिंपल वाली आइडेंटिटी बनी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है आपकी, आप सभी में, मैंने तो ये स्पेस थोड़ा सा कम होता है इसीलिए लिखती हैं। आप क्या करोगे, हर एक में ब्रैकेट में आप जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हो वो आइडेंटिटी आप लिखोगे हर पार्ट में। नाउ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ऐसे ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिखोगे बिकॉज ऐसे करके 2 डॉट और एक आपका नीचे, ये आपका रीजन बताता है, ऐसे लिख के और आप आइडेंटिटी लिखोगे। नाउ ए स्क्वायर 300 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 0 है तो आपकी 4 0 माइनस 9। ओके सो आप माइनस कर लीजिए, 10 - 9 = 1, 9 - 9 = 9, ओके और इट इज 8। ठीक है, सिंपल था ना आपका। देखिए सेम आपका ये भी ऐसे ही हो सकता है, आप इसको 80 - 2 लिख लेंगे, इसको 80 + 2 लिख लेंगे। सिंपल सी आइडेंटिटी, सबसे इजीएस्ट आइडेंटिटी ये तो हमारी, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ 80 का स्क्वायर आपका आपको पता है बहुत अच्छे से, विच इज इक्वल टू दिस, इजी है ना बहुत ही। नाउ 8.9 का होल स्क्वायर, इसको आप क्या बनाओगे देख लो, क्या बना सकते हो, या तो आप 10 - 1.1 का स्क्वायर कर लीजिए, 10 में से माइनस कर लीजिए क्योंकि आपको 11 का स्क्वायर पता है 121 होता है, या फिर आप 9 में से 0.1 कर लीजिए। वैसे आप ये करते ना कि 10 - 1.1 तो आपका और ज्यादा इजी होता। नाउ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस 2 × ab + 0.1 का, आप इसको 10 - 1.1 ही करना, उससे आपका ज्यादा इजी होगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन आपकी इजी हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 9 × 18 × 1 = 1.8, ओके प्लस ये आपका माइनस का है, माइनस 0.1 का होल स्क्वायर आपका क्या होगा 0.01। पहले आप वो वाली टर्म ऐड कर लीजिए, बाद में हम माइनस कर लेंगे, ये आपका क्या होगा 81 - 1.8 = 70। ये आपका कितना होगा, पहले आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या आप माइनस कर ये एडिशन कर सकते हैं, तो ये होगा आपका 79.2, ओके प्लस 0.01 विच इज इक्वल टू, अब आपका एडिशन थोड़ा सा इजी हो गया 79.1। मैंने आंसर मैच नहीं किया, आप कर लेना, ओके थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आप अपना देख लेना कि आपका इसको 10 - 1.1 करते तो जल्दी हो जाता, बिकॉज 10 का स्क्वायर और उसका एडिशन करना ज़्यादा इजी है। नाउ लास्ट पार्ट इज 1.05, लास्ट पार्ट इज 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 9.5। देखते ही पता चल रहा है कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, ये बनेगी आपकी, 1 में हम क्या करेंगे 0.5 ऐड कर देंगे, 1.05 ही है ना,
ये तो 1.0.05 ऐड करना पड़ेगा आपको। मैं एक बार स्टेटमेंट देख लेती हूँ, ये आपका आई थिंक 10.5 होगा स्टूडेंट्स, ये मैथ में थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है या फिर इसमें कुछ मिस्टेक है पॉइंट वगैरह लगाने में। ये आपका अगर यहाँ 9.5 है तो यहाँ पक्का 10.5 होगा, 10.5, क्योंकि तभी आपकी आइडेंटिटी बन रही है ना इजिली कि हम 10 में 0.5 ऐड कर रहे हैं और 10 में से 0.5 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे 0.5 हम ऐड कर रहे हैं और इसी 10 में से 0.5 हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि आपके आइडेंटिटीज वाला चैप्टर है, पक्का आइडेंटिटी यूज होगी। अगर 1.05 लगा रहे हैं तो कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है। नाउ ए प्लस बी ए माइनस बी तो आपको पता है सबसे सिंपल आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज आवर 100 माइनस 0.5 स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका 25 विच इज इक्वल टू 0.25। आप ऐड कीजिए, आप माइनस कीजिए इसको, ये क्या होगा 0.7599। ओके, ये आपका आंसर है। अगर आपकी स्टेटमेंट अलग भी है तो कोई बात नहीं, जो भी स्टेटमेंट है आपको देख लीजिए, क्योंकि मेरे मैथ्स में ये अच्छे से नहीं दिख रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।